टीवी सच साहस सरोकार। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछे हैं और कोर्ट ने कहा कि क्या आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है। साथ ही याचिकाकर्ता की याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ताजमहल किसने बनवाया है इसकी जाकर रिसर्च करो और यूनिवर्सिटी जाओ और पीएचडी करो। अगर रिसर्च करने से कोई मन न भरे या फिर कोई मना करे तब कोर्ट आओ। यूपी के सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में एक्शन में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लगातार मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जहां लखनऊ में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मीटिंग की, वहीं इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय के अफसर बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम योगी शाम 6:30 बजे एक मीटिंग की और सड़क सुरक्षा के संबंध में चर्चा भी की। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस मामले में 3 दिनों तक एक एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है। दरअसल ये अजय मिश्रा के साथ एक सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। वहीं फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए एक वकील ने जानकारी दी कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लगातार अपने औचक निरीक्षण से सभी को चकित करते नजर आ रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज दोपहर लोहिया संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री यहां बड़ी अव्यवस्था देखने को मिली। स्टोर में करीब 2 लाख की एक्सपायर्ड दवाई पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और जांच के आदेश दिए। बता दें पूरे मामले की जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जीएस प्रियदर्शी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार सुबह लोहिया संस्थान की ओपीडी में पहुंचे, यहां मरीजों से अव्यवस्था की जानकारी ली, जिसके बाद दवा स्टोर में पहुंचे। स्टोर में पैकेट बंद दवाइयां रखी हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि ये दवाइयां स्टोर में पड़ी एक्सपायरी हो गई हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित दवाओं का विवरण तलब किया। पड़ताल के दौरान पता चला कि 2,40,000 से अधिक की दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद दौरे पर थे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आए फरियादियों की शिकायत सुनी और कुछ लोगों के प्रार्थना पत्र लेकर उनके निस्तारण को जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। साथ ही 39.94 लाख रुपए की लागत से बने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का फीता काटकर उसका शुभारंभ किया और कहा कि खेल स्टेडियम की स्थापना होने से गांव के युवाओं की खेल प्रतिभा में निखार आएगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं को डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, ये बात वे कही। जो खामियां मिली है उनके लिए निर्देश दिए गए हैं, जो लापरवाही करेगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य यही है, सरकार की मंशा यही है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है उस योजना का लाभ जिनके लिए तय किया गया है भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उनको लाभ मिले। शिक्षा के क्षेत्र में कोई समस्या ना हो उसके लिए भी निर्देश दिया गया, विद्युत आपूर्ति मैंने बता दिया है। खेल के क्षेत्र में भी एक अलग आज मैंने भी स्टेडियम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से स्टेडियम का उसका भी उद्घाटन किया है। अभी और कई निरीक्षण की प्रक्रिया बाकी है, आपसे बात करके मैं निरीक्षण करने के लिए जाऊँ।
औरैया में बढ़ाए जा रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और नगर पंचायत के साथ एसडीएम ने बैठक की, जिस पर एसडीएम ने दुकानदारों को समय सीमा तक ही सामान रखने की इजाजत दी गई है और कहा अगर कोई ज्यादा बाहर तक सामान लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि बिधूना क्षेत्र में जो दुकानें एक हद से बाहर तक लग रही है जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है, रोड जो है वो पूरी रोड होने के बाद भी सक्रिय हो जाती है, इसलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी ताकि आपसी समन्वय से अपना अपना व्यापारी जो भी उन्होंने बाहर सामान निकाल रखा है उसको एक सीमा तक, हमने नाली उसको डिसाइड किया है कि उसके अंदर तक अपना सामान फिलहाल के लिए सीमित कर लें, हम उसको चिन्हांकित करेंगे ताकि रोड का थोड़ा सौंदर्यीकरण हो सके, साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, नगर पंचायत द्वारा नाला वगैरह क्लीन हो सके, इसलिए हमने मीटिंग बुलाई थी कि सबको साथ में लेके उस चीज़ को हम डिमार्केट कर सके। प्लस इसके अलावा जो भगत सिंह चौराहे के आसपास भी जो अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं उसकी दुरुस्ती के लिए भी नगर पंचायत के साथ बैठ के बात की गई। औरैया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को नष्ट किया है जिसकी कीमत लगभग 53 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी और अवैध शराब नष्ट कराई जाएगी। देखा जा रहा था कि कई वर्षों पे जो थाने पे पड़ा हुआ हमारा माल मुकदमाती होता है जिसमें कई माल होते हैं, एक्साइज एक्ट के होते हैं, वाहन होते हैं, वो कई वर्षों से थाने में पड़े रहते हैं, थाने की जगह घेरते हैं जिससे उसका निस्तारण भी नहीं हो पाता है और हमारी थाने की जगह भी व्यर्थ हो जाती है। तो औरैया पुलिस द्वारा न्यायालय की परमिशन लेकर के और जैसा कि शासन की मंशा के अनुरूप जो थानों का रखरखाव ठीक करना था उसी के क्रम में हमारे यहाँ पुरानी सभी चिन्हित जो मुकदमाती ये एक्साइज एक्ट की शराब थी इनका चिन्हांकन किया गया, इनको एक अभियान चला करके न्यायालय से परमिशन लेकर के इनका डिस्पोजल कराया जा रहा है। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हो गए हैं जबकि 1 पुलिसकर्मी को गोली लगी है। घायलों को पुलिस सुरक्षा में इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम निपुण अग्रवाल ने मामले की जानकारी दी है। जब जल निगम पुलिस चौकी थाना विजयनगर में पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो में गाय को बांध के लेके जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने इनका पीछा करना चालू कर दिया। पीछा करने के दौरान यह स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होके एक पेड़ से आके टकरा गई। पुलिस ने जब इनको सरेंडर करने के लिए बोला तब इन्होंने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ है। जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस ने इन पर गोली चलाई जिसमें कि 3 गौ तस्करों को गोली लगी है। इनकी पहचान जीशान से हुई है जो कि मेरठ फलावदा के रहने वाले हैं। औरैया में दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और महिला का कहना है कि हमें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, साथ ही साथ रोज मारा पीटा भी जाता था और इतना ही नहीं मारने के बाद चोट के निशान मिटाने के लिए बर्फ लगा दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की डॉक्टरी करवाकर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरे ससुराल वाले मुझे तंग करते हैं, मारते कूटते हैं, ये देखो ये चोटे वोटे सब लगी हैं, अंदर ही चोटे बहुत हैं। कहाँ ससुराल, कहाँ है आपके? उमरान। किसके यहाँ? अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा जी, तो आपने किसी से अभी तक कहा नहीं माँ बाप से? आपने किसी पे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई हमने, तब ये लोग सुधर जाए तो सुधर जाए, पर ये लोग सुधरे ही नहीं। कब शादी हुई थी आपकी? 17 जुलाई सन 2021 को शादी हुई थी। तो किस बात पे मारपीट करते हैं, क्या कहते हैं? हमेशा दहेज के मारे की अपने मैके की 80 रुपये पैसा सब मंगवाती रहो, मना कर दो तो मारते कूदते। बिजनौर में देर शाम चांदपुर थाना क्षेत्र रोड स्थित कब्रिस्तान के निकट तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 3रा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने लकड़ी से भरे ट्रक को कब्जे में लिया और कार्रवाई में जुट गई।
फरीदाबाद में जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित के सगे भाई ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब पीड़ित ने विरोध किया तो भाइयों ने अपने बेटों और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। बता दें कि घटना बीते 9 अप्रैल की है, जिसे पूरे एक महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामला ये था जी, मेरे भाइयों के साथ जमीन का मामला, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्सा की जमीन 420 में बेच दी। मैंने उसका केस अदालत में डाल दिया था, तो उन्होंने मुझे धमकी दी, या तो केस न वापस ले ले, नहीं तुझे जान से मार डालेंगे। और उन्होंने मुक्की और धर्मपाल ने मेरी बीवी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करी। वो मुकदमा मैंने फरीदाबाद कोर्ट में डाला। आर के शर्मा जज, सेक्शन जज ने उनकी सजा कर दी। अब वो जमानत पर है और वो हाई कोर्ट अपील में चल रहा है। मथुरा में श्रम विभाग पर बड़ी कार्रवाई की गई है और 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शादी के नाम पर श्रम विभाग ने फर्जी तरीके से अनुदान लेने के बड़े खेल का खुलासा किया। कहीं बिना बेटी के तो कहीं दो दो बार बेटी की शादी दर्शाकर अनुदान दिया गया था। इस फर्जीवाड़े में 2 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों सहित 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी की अध्यक्षता में लखनऊ में समीक्षा मीटिंग हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश की, जिसमें अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा निर्देश दिए गए कि मथुरा जनपद से तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें अनियमितता पाई गई है, जिसके संदर्भ में बार बार शिकायतें की जा रही थी विभिन्न पोर्टल से। उससे क्षुब्ध होकर के इसके सामने सचिव बोर्ड डॉक्टर विपिन जैन साहब को निर्देश दिया कि आप मथुरा जाकर खुद एक टीम बना करके खबर मुरादाबाद से है, जहां धार्मिक स्थल के पास 2 पहिया वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। मामला थाना मुगल्लापुर क्षेत्र के जलाल स्ट्रीट मंडी चौक का है, जहां नमाज पढ़ने आए युवक की स्कूटी पार्क करने के विवाद में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और युवक की पिटाई करने का भी आरोप लगा है। सूचना मिलने पर SP सिटी अखिलेश भदौरिया के साथ कई थाने की फोर्स पहुंची। बता दें कि एक समुदाय की तरफ से संजय कट्टा ने तहरीर दी है, वहीं पुलिस ने माहौल को शांत कराया और मौके पर भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात है। जलाल मोहल्ला थाना क्षेत्र मुगलपुरा में छत्ते वाली गली में एक मस्जिद है, वहाँ शाम के समय लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें ठठेरे मोहल्ले के भी लोग आते हैं। चूँकि थोड़ी सी दूर से आते तो बाइक लेके या मोटरसाइकिल लेके एक्टिवा लेके आते हैं, वहाँ एक्टिवा खड़ी करने को लेके एक पक्ष के लोग, एक लड़के ने जिसका नाम रचित है, उसने उससे हटाने के लिए कहा। इसी बात के लिए कि 2 लड़कों के बीच में मात्र विवाद हुआ है, इसके अलावा कोई घटना ऐसी नहीं हुई है जिसके लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देवरिया की एक युवती लगभग 5 महीने से घर से लापता है और बुजुर्ग मां लगभग 5 महीने से हर रोज थाने का चक्कर लगाकर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस उस बुजुर्ग महिला की बेटी को ढूंढने में असफल रही। वहीं बुजुर्ग महिला का आरोप है कि पुलिस आरोपी को बचाने में जुटी है। लड़की हमार 5 महीना से गायब भर दिया, मामा लगेगा वही लेके फुसला पगला के चल गया। बस थाने पर जाता नहीं तो साहब बोलता नहीं तब कि गरीब गुने या छोट जात गुने कोनो खोजवाई सुनवाई नहीं करते। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में एक अजीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने घरों या दुकानों में नहीं बल्कि सब्जी मंडी में सेंध लगाई। सब्जी मंडी से लगभग 70,000 रुपए के नींबू चोरी कर लिए और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रात आजादपुर मंडी से माल आया था 9 बजे करीब, 10-12 कट्टे थे, रात को पल्लेदान ने उतारा, उसी की निगरानी में माल रहता और 1:30 बजे तक माल गायब हो गया। कितनी कीमत का माल था? 60-70 हज़ार रुपये कीमत का माल है। किस चीज़ में लेकर गए हैं चोर? छोटे हाथी में लेकर गए हैं। कितने चोर थे? लगभग 2 चोर थे। किस किस चीज़ पर आए थे? एक बाइक पर था, एक छोटा हाथी था। तो पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना सुबह मिली थी।
पुलिस ने कुछ कार्रवाई की अभी तक इसमें? तहरीर नहीं दी अभी, तहरीर नहीं। देवरिया के रामपुर के एक मैरिज लॉन में किन्नर समाज की मुखिया स्वर्गीय सूरजमुखी गुरु माँ की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई और कार्यक्रम रूबी किन्नर की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें देश और प्रदेश के कई जिलों से हजारों किन्नर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और किन्नर समाज ने राज्य मंत्री सोनम किन्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि राज्य मंत्री सोनम किन्नर लगातार किन्नरों को प्रताड़ित और शोषित करती है। माननीय अखिलेश सरकार की तीनों ने अगले दिन हमारे इसको सम्मान दे दिया तो काफ़ी किन्नरों को इसने पीड़ित किया, बहुत किन्नरों को पीड़ित करके बड़ा उत्पाद कर करके इसने बहुत किन्नर पीड़ित हुए। जब भी हमारे पास इसकी सूचना आई तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा सुनिए भाई आपको सम्मान मिला है तो सम्मान का नाजायज फायदा मत उठाइए, और ठीक है आप काम कर रहे हैं प्रोटेक्शन में है तो काम ठीक से करिएगा, परंतु इन्होंने बात की। सरकार ये चाहती है कि हमारा पूरा किन्नर समाज हिंदुस्तान का सोनम का विरोध करता है और ये कहते हैं कि किन्नर को इसको सोनम को हटाया जाए, जांच कराई जाए, पहले जांच करा के जो किन्नर अच्छा हो उसको नियुक्त किया जाए। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। घटना क्या, कल शाम को दारू एक लोग इसके साथ किए थे, यहीं बैठे हुए थे सड़क किनारे जी शाम को। क्या नाम है इनका मृतक का? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कहाँ के निवासी है? ये है बेला टिकई। बेला टिकई। और ये कितने बजे जानकारी हुई है लोगों को? अभी सुबह सब लोगों ने देखा, कल शाम को तो 8 बजे निकला था। आपको क्या लगता है क्या हुआ इनके साथ? अरे हुआ क्या, बता रहे हैं कि वही भट्टे पे लड़ाई हुई थी। रायबरेली में एक प्रेम प्रसंग में परिवार के बाधा बनने पर प्रेमी युगल ने मौत को गले लगा लिया। परिजनों के मुताबिक जालंधर के लिए युवक निकला था, वहीं युवती की बहन गुड़िया ने बताया कि पुलिस को युवक युवती बयान देना चाहते थे लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। मृतक की बहन ने यह भी बताया कि घर से भागकर आई लड़की को घर में मारा पीटा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लड़की कल भाग के आई थी, आज 20 दिन से मार खा रही थी अपने घर पे और ये बोल रही थी कि ले जाओ मुझे ले जाओ। हमने भी इसको समझाया, बेटिया वहीं रुको, अगर जो रब चाहेगा होगा जो होगा। इसके बाप ने इसको धमकी दिया कि जैसे कुर्मिया मऊ में उसके बाप ने उसकी लड़की को अपने काट दिया वैसे काट के बहा देंगे कल का। उसके बाद वो लड़की डर के मारे यहाँ भाग आई हमारे घर, तो शाम को थाने में फोन गया तो वहाँ के लोग बोलने लगे कि नाबालिग है अभी अभी उसको छोड़ दो वहीं पे जाके। ये लोग सारे भाई मेरा बोला कि मैं छोड़ने जा रही हूँ। खबर गाजियाबाद से है जहां एक शख्स ने चलती गाड़ी के बोनट पर बैठकर स्टंट की रील बनाई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एलिवेटेड रोड का बताया जा रहा है। बता दें कि स्टंटबाजों के लिए लगातार यूपी पुलिस चालान भी कर रही है। अब देखना ये होगा क्या इस स्टंटबाज शख्स पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, स्टंटबाज का वीडियो सामने आया है गाजियाबाद से, चलती गाड़ी के बोनट पर रील बनाई है। आपको बता दें इससे पहले भी लगातार यूपी सरकार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है, लगातार चालान कर रही है और अब ये वीडियो जब सामने आया है तो एक बार फिर पुलिस प्रशासन में खलबली भी मची है और इसका चालान कटना भी तय बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।